नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने स्टूडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HDFC AMC के स्टॉक के बारे में। बहुत से रिटेल इन्वेस्टर्स पिछले एक दो सालों में अगर देखें तो इस स्टॉक में ट्रैप होते हुए दिखाई दिए थे। एक बड़ी गिरावट जो थी पिछले एक डेढ़ सालों में इस स्टॉक में देखने को मिली थी, लेकिन अब ये स्टॉक जो है कहीं ना कहीं निचले लेवल से बहुत ही शानदार रिकवरी दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है और देखें तो अपने उस लेवल के आसपास आता हुआ दिख रहा है जिन लेवल पे बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर फंसते हुए दिखाई दिए थे। तो क्या अब इन रिटेल इन्वेस्टर्स को एक एग्जिट मिलती हुई दिख रही है या फिर यहाँ पे एक अच्छी एंट्री टाइम है और यहाँ से एक बड़ा रिटर्न बन सकता है जितने लोगों ने यहाँ पे होल्ड किया। सबसे पहले अगर हम बात करें फ्राइडे को, तो फ्राइडे के दिन भी 2.25% की शानदार तेजी के साथ 2700 के ऊपर जाकर स्टॉक बंद होता हुआ दिखाई दिया और कहीं ना कहीं 2755 रुपए का इंट्राडे और 52 वीक हाई लगाता हुआ ये स्टॉक दिखाई दिया। अगर इसके लाइफ हाई की बात करेंगे तो 3800 के आसपास तक का इसका लाइफ टाइम हाई है। जब इस स्टॉक का आईपीओ आया था उसके बाद इस स्टॉक में बहुत शानदार तेजी हुई थी इस उम्मीद में कि कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं पिछले 4-5 सालों में देखेंगे एक AMC कंपनियों को तो कोई खास ग्रोथ यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही थी और यहाँ पे अगर आप इसके फाइनेंशियल्स भी देखेंगे तो एक फ्लैट फाइनेंशियल्स जो थे वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे थे। अभी अगर आप इसकी वैल्यूएशन की तरफ नजर डालेंगे 74 रुपीज की EPS है जो कि 16% साल दर साल बढ़ती हुई दिख रही है। 36-37 के आसपास का PE जो कि इंडस्ट्रियल में अगर आप देख रहे हैं 31 के मुकाबले थोड़े हायर साइड पे देखने मिल रहा है। मार्केट कैप 58,196 करोड़ का आपको देखने मिल रहा है और डिविडेंड यील्ड 1.76% की। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जो चीज है फाइनेंशियल्स, फाइनेंशियल्स में यहाँ पे आपको कोई खास बढ़त देखने नहीं मिल रही। 4-5 सालों में आप देखेंगे बिल्कुल फ्लैट है। 2019 में ये कंपनी 1915 करोड़ की रेवेन्यू क्लॉक करती थी जो कि 2023 तक बढ़ के मात्र 2166 करोड़, तो 10% की भी ग्रोथ जो है वो पिछले 5 सालों में यहाँ पे आपको मोटा मोटी देखने को नहीं मिली है। प्रॉफिटेबिलिटी की भी अगर हम बात करें तो 2019 में 930 करोड़ की कंपनी प्रॉफिट करती थी जो कि 2023 में बढ़ के 1423 करोड़ हो गया। लेकिन 2020, 2021, 2022 के भी अगर आप प्रॉफिट के नंबर देखें बिल्कुल फ्लैट नंबर कहीं ना कहीं ग्रोइंग साइड में है, लेकिन उसके से 2-5% साल दर साल की एवरेज से यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके की ग्रोथ की उम्मीद थी कि बहुत तोड़ फोड़ ग्रोथ आती हुई दिखाई देगी वो यहाँ पे नहीं होता वो दिखाई दिया। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से पहले AMC बिजनेस में ये होता था कि लोग म्यूचुअल फंड में डालेंगे तो लोग आज भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो है मार्केट में नए आए हैं और वो डायरेक्ट मार्केट में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं वो एक ग्रोथ को इनकी स्लो करता हुआ दिखाई दिया और कहीं ना कहीं वो परफॉर्मेंस नहीं आती हुई दिखाई दी जो कि मार्केट ने यहाँ पे एक्सपेक्ट की थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं मार्केट ये मान के चल रहा है कि पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से मार्केट में शानदार तेजी होती दिखाई दे रही है तो कहीं ना कहीं इनके बिजनेसेस में जो है कुछ पॉजिटिव चीजें देखने को मिल सकती है और उसका साफ इम्पैक्ट जो है आपको स्टॉक प्राइस पे देखने को मिल रहा है। स्टॉक अपनी सारी मूविंग एवरेजेस के ऊपर कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक्सपोनेंशियली अगर आप देख रहे हैं सिंपल मूविंग एवरेज देख रहे हैं 200 दिन की एवरेज के 20 दिन, 50 दिन और 200 दिन सारी एवरेजेस के ऊपर स्टॉक कामकाज कर रहा है। यहाँ पे हमने देखा पिछले 3-4 दिनों में एक शानदार ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दिया। 2580, 2600 के रेंज को जैसे ही स्टॉक ने पार किया यहाँ पे आपको एक अच्छा और तेजी देखने को मिल रहा है। अगर आप देखेंगे तो इस स्टॉक में जो हाई लगता हुआ दिखाई दिया था रिसेंटली अगर हम देख रहे हैं 2021 सेप्टेम्बर के आसपास लगभग 3350 के आसपास का देखने मिला था, उसके बाद से ये स्टॉक में बड़ी तेज गिरावट जो थी वो कंसिस्टेंट होती हुई दिखाई दी थी और इसी लेवल के आसपास में बहुत से रिटेल इन्वेस्टर्स फंसते हुए दिखाई दिए थे इस उम्मीद में कि ये स्टॉक अच्छा है थोड़ा गिर रहा है तो बॉटम पीक फिशिंग कर लेनी चाहिए और वहीं पे ये स्टॉक फंसता हुआ दिखाई दिया। तो बहुत से रिटेलर्स यहाँ पे ट्रैप थे, बहुत से लोग कमेंट भी करते थे कि कब ये स्टॉक चलेगा, आखिर क्यों ये स्टॉक नहीं चल रहा है। तो अब फाइनली ये स्टॉक ने जो है डबल बॉटम बनाया 1700 रुपए, 1680 रुपए के रेंज में और उस रेंज से डबल बॉटम सपोर्ट लेके जैसे ही इस स्टॉक ने आपको 2300-2400 रुपए के आसपास की रेंज में ब्रेकआउट दिया उसके बाद एक शानदार वैल्यूएशन क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है और ये स्टॉक में अच्छी शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग जो है वो देखने को मिल रही है। और कहीं ना कहीं ये स्टॉक अब जो है अगर मान के चले 3000-3050 की तरफ चलने को तैयार होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर मार्केट का सेंटिमेंट पॉजिटिव रहता है और मार्केट में कोई ऐसा कोई बड़ा ब्लंडर नहीं आता तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक जो है आपको आउट परफॉर्मेंस करता हुआ दिख सकता है। और अगर मार्केट में थोड़ा बहुत करेक्शन आता है या किसी कारण से गिरता है या कुछ भी बुरी खबर आती है
तो फिर आपको यहाँ पे भी हल्की फुल्की गिरावट देखने को मिल सकती है। तो बाय वन डिप्स करने के लिए एक अच्छा मौका हो सकता है। जिन्होंने नहीं लिया है उनके लिए यहाँ पे 2400 रुपए एक अच्छा सपोर्ट लेवल मान के चल सकते हैं। अगर यहाँ पे 2400 रुपए के आसपास तक का कोई लेवल मिलता है या किसी भी कारण से कोई गिरावट आती है तो एक अच्छा लेवल होगा। वहां पे अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए ऐड करने की फॉर लॉन्ग टर्म, क्योंकि कहीं ना कहीं अब यहाँ पे बहुत बड़े गिरावट की भी उम्मीद आप नहीं कर सकते। अब गिर गया अलग बात है, क्योंकि अगर आप चार्ट पे देखेंगे तो आपको यहाँ देखने मिलेगा जून के आसपास के महीने में एक बड़ा गैप जो था वो भी छुटा हुआ है। तो अगर गैप को फिल करने आएगा तो फिर से स्टॉक एक बार 2000-2100 की रेंज में आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन अब क्या इतनी बड़ी गिरावट की उम्मीद यहाँ पे हो सकती है नहीं हो सकती, ये सारी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये स्टॉक 2400 के लेवल को तोड़ देगा तो डेफिनेटली फिर हम बोल सकते हैं कि एक बार ये शायद स्टॉक एक बार नीचे गैप फिल करने के लिए आ सकता है। और वो लेवल तो ब्लाइंड बाय अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन के आसपास ये स्टॉक फिर से अवेलेबल होता हुआ दिखाई देगा, जहां पे इन्वेस्टर्स फिर से इसको लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब देखना होगा कि क्या ये 2400 का लेवल तोड़ता है नहीं तोड़ता। और शॉर्ट टर्म जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए तो बहुत ही क्लियर कट सपोर्ट लेवल अगर आप देख रहे हैं, या एक अच्छा खासा जिसके ऊपर ब्रेकआउट हुआ 2600 का, 2600 के ऊपर ये निकलते ही है 2600 उनके लिए एक स्टॉप लॉस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का लेवल हो जाएगा। इसके नीचे जाएगा तो डेफिनेटली फिर उनकी पोजीशन थोड़ी सी कटती हुई दिखाई देगी आपको। शॉर्ट टर्म जो इन्वेस्टर्स होंगे वो यहाँ पर अपनी पोजीशन काटेंगे, लेकिन अगर ये रैली कंटिन्यू रहती है तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक वापस 2800 से 3000 तक जाने के लिए एक बार तैयार होता हुआ दिख रहा है। तो अच्छा खासा मोमेंटम है, अच्छे ट्रेंड पे चलता हुआ दिख रहा है, पूरा सारा चीज पॉजिटिव देखने मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक जो है आने वाले दिनों में आपको निफ्टी को या बाकी इंडेक्स को आउट परफॉर्म करने की कोशिश कर सकता है। अच्छे नतीजों के एक्सपेक्टेशन में आप एक बाइंग भी देखने को मिल सकती है। तो अब अगले महीने क्वार्टर में किस तरीके के नतीजे आएंगे वो आगे की दशा दिशा तय करेंगे इस स्टॉक के लिए कि आगे स्टॉक किस तरीके से परफॉर्म करेगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो जो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।